हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आपके लिए जो है एक वो यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये आपका जो है जो सर्दियों में हम हॉट वाटर बॉटल लेते हैं उसके लिए कवर बनाया है कि किस तरीके से आप इस कवर को बना सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है ताकि मेरे बिगनर्स भी इसे बना सकें। और ये देखेंगे आप, इस तरीके से हार्डली 70 ग्राम्स के आसपास इसमें वूल लगी है। ये आप अपने लिए या अपने बड़ों के लिए बना के उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी बॉटल बहुत इजीली हार्डली 2 दिन के अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, नॉर्मल वूल ली है इस तरीके से, नॉर्मल से हल्की सी थिक है और 9 नंबर से आपको बताने जा रही हूँ। ये एक्चुअल में काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। बेसिकली आपके सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर लोग जो है जिनके पास हीटर्स नहीं होते, वो नहीं होते, वो हॉट वाटर बॉटल यूज़ करते हैं। तो उस हॉट वाटर बॉटल के लिए कवर वो बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जो है मैंने फंदे जो है 50 स्टिचेस डाले हैं। आप ये देखेंगे 50 स्टिचेस नॉर्मल डाले हैं। दो दो पार्ट्स आपने सेम बनाने हैं। 50 स्टिचेस नॉर्मल डालने के बाद 2 सीधे 2 उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर आपने अपने बॉटल के ऊपर जो नेक है उसका वहाँ से उससे नापना है। तो मैंने नाप लिया है, तो देखेंगे नॉर्मल जो हॉट वाटर जनरल मिलती है उसके लिए बना रही हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंच आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें जो है डोरी डालने के लिए जो है होल्स जो है जाली डालना चाह रही हूँ। अब देखिए कैसे डालेंगे उसे। अब ये 2 फंदे आपने, अब हमने जो है ये 2 सीधे, ये आपने 2 उल्टे, ये 2 सीधे 2 उल्टे किए, यहाँ पे हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ ऐसे करेंगे आप और इन 2 फंदों को हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। देख रहे हैं आप, फिर अगेन 2 उल्टे 2 सीधे, अब फिर से यहाँ पे जाली डालनी है और 2 का 1 करना है। तो आप धागा ऐसे लपेटिएगा इस तरीके से और इन 2 फंदों को इस तरीके से 2 का 1 कीजिएगा। फिर धागा आगे, 2 सीधे, अब 2 उल्टे, अब यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा यहीं रहने दिया और इन 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 कर लिया। फिर 2 उल्टे 2 सीधे, अब यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा ऐसे लपेटा इस तरीके से और इन 2 को 2 उल्टे में ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब देखिए साथ में जाली भी डल रही है क्योंकि 2 सीधे 2 उल्टे करने हैं, तो इस वजह से ऐसे कर रहे हैं हम। फिर धागा यहाँ, इन 2 को आपने ऐसे किया इस तरीके से, अगेन 2 उल्टे 2 सीधे, फिर यहाँ पे आपने ऐसे लपेटना है और इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर 2 सीधे 2 उल्टे, धागा यहीं रहने दिया, इन 2 को 2 का 1 किया आपने। फिर 2 उल्टे 2 सीधे, धागे को ऐसे लपेटा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया और लास्ट में आपके 2 सीधे बच गए। अब उल्टी लाइन में वही 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए जाएंगे। देखेंगे ये आपने ऐसे 2 उल्टे किए, धागा आगे, 2 सीधे, जाली वाला सीधा बनेगा इस समय, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। ये जाली इस तरीके से डल गई है, देखेंगे आप। अब हमने इसमें जो है सीधा बनाऊंगे और थोड़ा सा जो है मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इसमें दूसरे कलर से, इस तरीके से सेंटर में डालूंगी। अब यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने हैं, बाकी सीधा बनाने और सेंटर में जो है थोड़ा सा डिज़ाइन डालूंगी। तो देखिए आपने इस तरीके से यहाँ पे ये 1 बनाया, इसके बाद 1 के 2 किए ऐसे, 1 फंदा आपका यहाँ बढ़ गया, फिर इसे सीधा बनाया, फिर इस वाले फंदे को आपने 1 के 2 किए तो 2 फंदे आपके यहाँ बढ़े और 2 उधर बढ़ाऊँगी। ये हो गया आपके 2 2 4 5 6। अब ये सीधे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये सेंटर में जो 10 फंदे हैं, यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए तो 22 है, अभी यहाँ 20 है, यहाँ साइड में हम 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएंगे। सेंटर के जो 10 फंदे हैं उन्हें किस तरीके से बनाऊंगी देखेंगे आप। 2 2 फंदों का बेसिकली थोड़ा सा डबल कलर का वो डालूंगी, ये देखेंगे आप, ये लिया मैंने ऐसे दूसरा कलर। अब ये 2 फंदे मैं इससे बनाऊँगी इस तरीके से, फिर 2 फंदे इससे बनाऊँगी, 2 और 2 4, फिर इससे बनाऊँगी 5 6, फिर इसे बनाऊंगी 7 8, और फिर इसे बनाऊंगी 9 10। तो देखिए ये 10 फंदे मैं ऐसे सेंटर में रख रही हूँ।
जो डबल कलर से चढ़ाऊंगी, बाकी मैं इससे नॉर्मल बनाऊंगी। और साइड में अभी हमने दो फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए इस वाले फंदे पे आप एक का दो करेंगे ऐसे, फिर इसे बनाएंगे, फिर इसमें एक का दो करेंगे, यानी कि दो उस साइड बढ़ाए और दो इस साइड बढ़ाए, और ये आपने बनाया। अब आ जाइए उल्टी लाइन पे। अब ये जो मैं चार लाइंस बताऊंगी आपको, फिर आपको वही दोहराते हुए इसमें जाना है। ये वाले फंदे तो आपने नॉर्मल उल्टे ऐसे बनाने हैं, देखेंगे ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। अब हमने इस कलर से बनाना है, ये ऐसे किया और ये वाले दो फंदे हमने इससे बनाए, ऐसे दो बनाए, फिर ये वाले दो बनाए ऐसे, फिर ये दो बनाए इससे। बहुत टाइट मत रखिएगा यहाँ पे हाथ अपना। फिर ये दो बनाए इससे एंड अगेन ये दो बनाए इससे, और बाकी ये वाले फंदे आपके ऐसे उल्टे ऐसे दो लाइंस। अब अगेन, अब ये बनाना तो सीधा सीधा है, बस ये जो सेंटर का डिज़ाइन है वो चार लाइंस का बता रही हूँ, बाकी ये ऐसे आपने ऐसे सीधा सीधा बनाना है। अब उसकी लेंथ पूरी होने तक आपने इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। हर एक का देखो वाटर बॉटल की लेंथ जो है अलग अलग होगी, इसलिए हर कोई अपने अपनी लेंथ के हिसाब से वाटर बॉटल का बनाएगा। अब देखिए यहाँ सेंटर में आ गए फिर से हम, ये देखिए ये आ गए। अब ये जो दो फंदे थे ये मैं अब इस वाले से बनाऊंगी, और ये सेंटर के दो फंदे मैं इससे बनाऊंगी, फिर ये वाले दो ब्लू से बनाऊंगी, और फिर ये दो इससे बनाएंगे, और फिर ये दो इससे बनाएंगे। उल्टे लाइन में भी जो जिस कलर से बनाया है उसी कलर से उल्टे फंदे चढ़ेंगे, ये देखेंगे। अब उल्टी लाइन में देखिए ये वाले तो ऐसे उल्टे बनेंगे, क्यों हो गया। अब ये वाले जो ब्लू दिख रहा है उसे तो ब्लू ही लेंगे, और जो ये कलर है इसे इसी कलर से बनाएंगे उल्टा, फिर आपका ब्लू आ गया, फिर आपका ये आ गया, एंड देन ये वाले ब्लू। अब ये जो चार लाइंस अभी मैंने बताई ये आपको दोहराते हुए जानी है, बढ़ाना सिर्फ एक ही बार है जैसे बताया मैंने। अब सिंपल इस डिज़ाइन को हम बनाते हुए जाएंगे जब तक कि आपके बॉटल की लेंथ आ नहीं जाती, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, फिर बताती हूँ किस तरीके से करेंगे, कैसे ये इसमें डिज़ाइन जो है बनता हुआ जाएगा। और नॉर्मल बनाना है, चार लाइंस का ये डिज़ाइन है, जस्ट इसको रिपीट करते हुए आपने जाना है। अब आप ये देखिए ये आपने नापना है, ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, जस्ट एक से डेढ़ इंच रह गया है। आप देखिएगा इस तरीके से वाटर बॉटल जो आपकी होगी आपने ऐसे रखना है और इसे इस तरीके से यहाँ से नापना है। अब आप ये देखेंगे जस्ट एक इंच रहती है, आप ये देखेंगे इस तरीके से रखा है मैंने, तो ये जो गोलाई का पोर्शन है ये हम थोड़ी सी इसमें जो है कटिंग करेंगे। अब किस तरीके से करूँगी, क्योंकि दोनों पार्ट्स आगे पीछे के सेम बनाने हैं तो ये ऐसे ही एज इट इज़ चलेगा। आपने तीन दो दो करके आपने इसकी कटिंग करनी है, तो देखेंगे ऐसे इस तरीके से, पहले आप ऐसे तीन करेंगे, एक दो तीन। अब ये सारे जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, उल्टी साइड में भी हम उस साइड तीन करेंगे। अब पलट के आपने यहाँ से भी तीन फंदे ऐसे बंद करने हैं, ये किया एक, फिर दो और फिर तीन, और जैसे बन रहा था वैसे बनाना है। ये देखिएगा तीन कर लिए, अब यहाँ पे फिर से आए हैं दो करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे आप ऐसे, एक फिर एक और करेंगे, दो हो गए। अब फिर ये पूरी लाइन यहाँ से भी दो करेंगे, फिर उल्टी लाइन, इसके बाद एक और बार दो करेंगे, और फिर हम इन्हें आपस में जो है जोड़ देंगे, जो दो पार्ट्स हमने बनाए हैं उन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। ये देखिए अब आगे उल्टी लाइन में फिर से दो फंदे यहाँ से करने हैं, एक फिर एक दो। अब जैसे दिख रहा था वैसे आप पूरी बनाएंगे, और इसके बाद एक और बार हम दो दो फंदे दोनों तरफ से करेंगे। देखिए फिर से सीधी लाइन पे आ गए, अगेन हम जो है दो
दो फंदे जो है घटाएंगे। अब पहला आपने ऐसे किया ये, फिर अगेन दूसरा, तीन दो पाँच और दो सात फंदे आपने इस तरीके से देखेंगे आप ऐसे घटाए हैं। अब बाकी सीधे बनाएंगे, उल्टी लाइन में फिर से दो फंदे करेंगे हम। ये देखिएगा उल्टी साइड पे फिर से वही दो फंदे, एक एंड एक दो। अब पूरी लाइन आप उल्टी करेंगे। दोनों पार्ट्स हमने इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक के बनाने हैं, और जब दोनों बन जाए तो आपने एक दूसरे के साथ इन्हें जोड़ देना है। फिर अब ये देखिएगा आप, मैंने इस तरीके से ये दो पार्ट्स एग्जैक्टली सेम बराबर बनाए, जैसे आपको एक पार्ट बताया वैसे ही मैंने दो पार्ट बनाए। अब हमने इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है, और उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो है सिलाई करेंगे ऐसे। पहले तो हम ये जोड़ेंगे और उसके बाद उन दोनों पार्ट्स को हम सिल देंगे। तो जोड़ना उसी तरीके से, देखिए ये डाला आपने, ये डाला, इसे बनाया ऐसे, अगेन दूसरा डाला, फिर ये डाला, बनाया, इसको इसके ऊपर से ले लिया, फिर ये डाला, फिर ये डाला, बनाया ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से आपने इसे आपस में जोड़ लिया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रख के दोनों साइड्स से आपने जोड़ना है, ये और ये, इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से जोड़ लेंगे। और उसके बाद आपको करके दिखाती हूँ कि फिर किस तरीके से इसका जो है लुक आता है। फिलहाल आप ऐसे करेंगे कि ये ऐसे रखेंगे, इसे जोड़ेंगे, और फिर इस तरीके से लेते हुए पूरा यहाँ तक आप इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब ये देखिएगा, इसको मैंने इस तरीके से सिल लिया है, आप ये देखेंगे, ये देखिए दोनों तरफ ऐसे है। और यहाँ पे मैंने जो जाली डाली थी उसमें मैंने इस तरीके से डोरी बना के डाल दी है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप इस तरीके की डोरी क्रोशिया से या सलाई से किस तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखेंगे इस तरीके से, अब ये आपका जो है तैयार हो गया। हमारी जो नॉर्मल बॉटल्स होती है, हॉट वाटर बॉटल्स, आपने उसमें जो है चाहे तो इसमें डाल के पानी बाद में डालिए, या पहले पानी डाल के उसके बाद आपने इसे उसमें चढ़ा देना है। ये देखेंगे, ये देखिएगा बिल्कुल उसमें फिट आ गई है, ये देखिए ये आ गई आपके इस तरीके से, ये देखेंगे। थोड़ा सा अगर आप बड़ा बनाना चाहे तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और ये आपने इस तरीके से ऐसे खींच ली, तो देखिएगा ये ऐसे आपकी हॉट वाटर बॉटल जो है तैयार हो गई है। तो आप भी अपनी सर्दियों में जैसे बॉटल्स लेते हैं उसके ऊपर टॉवल या कुछ कपड़ा लगा के उसे लेते हैं, उसकी बजाय आप इस तरीके से बना के कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉटन का धागे से बनाइए या वूल से बनाइए। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।